एएमयू में सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि अब जो धरना और जो प्रदर्शन चल रहा था उसका एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। छात्रों ने डीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें वीसी डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग शामिल है। तो आपको बता दें जो एएमयू छात्रों का प्रदर्शन था वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ता चला जा रहा है। अब एएमयू के छात्र भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। आपको बता दें 3 दिन के भीतर मांगे पूरी न होने पर चेतावनी दी गई है। वही कहा गया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। तो ये अलीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां एएमयू में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने धरना स्थल पर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अब देखिए एमयू के कुछ स्टूडेंट्स ने रिले हंगर स्ट्राइक करने के लिए इनकी लगभग 5 डिमांड है। 5 डिमांड को लेकर के इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें इन्होंने डिमांड की है वीसी रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के रेजिग्नेशन की। 15 दिसंबर 2019 का जो इंसिडेंट है उसके सीसीटीवी फुटेज की और एफआईआर के संबंध में इन्होंने दिया है। पीएम साहब को संबोधित है और बाकी इसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीएम और बाकी सारे उच्च अधिकारियों को मैंने यह मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है उसको हम करेंगे और जो चीज़ें ऊपर लेवल की हैं उनके द्वारा करवाएगा। हमारी जो ये अंदर रिले अंदर स्ट्राइक है ये रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन के लिए है। सीए एनआरसी एनपीआर का जो धरना है वो एज इट इज यहाँ पर चल रहा है और सीसीटीवी फुटेज 15 तारीख की रात के अभी तक हमें ऐसा चीज़ जो है मुहैया नहीं कराई। हमारी रिले अंदर स्ट्राइक का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये फुलफिल की जाए। 15 तारीख की अनकट फुटेज हमें चाहिए। जो रात में 15 को हम लोगों के साथ ब्रूटैलिटी हुई उसकी फुटेज चाहिए, पूरी अनकट चाहिए। और जो एफआईआर हैं एफआईआर कुछ कैंप ये वाइस प्रोक्टर को कहा गया आप लोग करवाइए, ये कुछ डिमांड्स है। एफआईआर में जो है कि मॉरिसन कोर्ट में आफ्ताब हॉल के का एक हॉस्टल है मॉरिसन कोर्ट, उसमें पुलिस घुसकर कमरे में बच्चों के साथ मतलब ये शेल डाला था उन्होंने आंसू गैस वाला और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ये परेशानी हुई थी। तो इसके लिए आफ्ताब हॉल के प्रोवोस्ट से हम लोग ये चाहते हैं कि वो एफआईआर करें। उसके ऐसे मॉरिसन कोर्ट के गेट कीपर को ये आरएएफ की टीम ने मारा था तो चाहते हैं कि गेट कीपर से एफआईआर करवाया जाए। उसके ऐसे एम्बुलेंस जो आई थी बच्चों को बचाने के लिए एम्बुलेंस का शीशा तोड़ा गया था और एम्बुलेंस के ड्राइवर को बचाया गया था। तो ये सीएमओ उसका ये करें एफआईआर करें एम्बुलेंस के टूटने का और ये एम्बुलेंस के ड्राइवर से एफआईआर कराया जाए पुलिस के अगेंस्ट। हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो प्रमोद, जिस तरीके से जो छात्रों की भूख हड़ताल है वो सीएए को लेकर, तो ऐसे में वीसी डीएसडब्ल्यू और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग क्यों है इसके अंदर? देखिए मैं आपको बता दूं अभिषेक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं वो पिछले लगभग 68 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो अब तक धरना प्रदर्शन जो चल रहा था उनका वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहा था। ठीक है, इसी के साथ अब छात्रों ने एक नई मांग यानी भूख हड़ताल देर रात से स्टार्ट कर दिया और भूख हड़ताल में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर तीनों ही जो पदाधिकारी हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दें और नहीं तो ये भूख हड़ताल जो है 72 घंटे बाद सीधे अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल स्टार्ट हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी एसीएम महोदय को सौंपा और उस ज्ञापन में जिलाधिकारी को भेजा जा रहा है ज्ञापन। ज्ञापन में उन्होंने 5 सूत्रीय मांग रखी है। पहली जो मांग है ये तीनों जो पदाधिकारी हैं ये अपने पदों से इस्तीफा दें। इसके अलावा दूसरा जो 15 दिसंबर की रात में पुलिस और छात्रों के बीच भ्रंत हुई थी उसके जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरे सीसीटीवी फुटेज बिना कट किए उपलब्ध कराए गए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्रों के साथ डॉक्टरेट टीम के लोगों के साथ मारपीट हुई और उसके अलावा जो गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनके साथ मारपीट जो पुलिस कर्मियों ने की है उनके द्वारा एक मुकदमा अलीगढ़ पुलिस के खिलाफ दर्ज कराया जाए। ये तमाम मांग है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो हंगर स्ट्राइक है यानी भूख हड़ताल है ये अभी फिलहाल 24 घंटे के लिए वरना ये अनिश्चितकालीन के लिए बदल दी जाएगी अगर ये तीनों पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा नहीं देते। इसके अलावा जो नागरिकता संशोधन कानून की बात है उसको लेकर 68 दिन से जो धरना चल रहा है वो धरना लगातार जारी रहेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। भूख हड़ताल का तो मतलब सिर्फ इन तीनों पदाधिकारियों को हटवाने की मांग है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से छात्र भूख हड़ताल चल रही है कहीं ये अनिश्चितकालीन में ना बदल जाए। अगर अनिश्चितकालीन में बदलती है तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तारिक मंसूर के लिए भी बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो सकती है। जी जी प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।